आज सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने की बड़ी घोषणा। कहा, साल 2024 से पहले पहाड़, तराई और डुअर्स का होगा स्थायी राजनीतिक समाधान। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान ना ही तृणमूल और ना ही कोई अन्य पार्टी कर सकती है, इसका हल भारतीय संविधान और भारत के संसद भवन द्वारा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ के 11 अनुसूचित जनजातियों को भी मान्यता मिलेगी। दूसरी तरफ बिमल गुरुंग को लेकर उन्होंने कहा कि पहाड़ की जनता अब भी उनसे प्यार करते हैं, बिमल गुरुंग दूसरों के तरह नहीं है। वहीं उन्होंने तृणमूल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को जितने भी रुपए दे दे, लेकिन साल 2017 की घटना में जिस तरह से कई गोरखा भाई शहीद हुए थे, इसे दार्जिलिंग की जनता कभी नहीं भूलेंगी। उन्होंने कहा कि साल 2019 चुनाव में भाजपा ने जिस तरह बेहतर प्रदर्शन किया था, उन्हें उम्मीद है कि भाजपा 2021 में भी अपना परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, 2019 की घोषणा पत्र में हमने लिखा है 11 छुट्टी हुई जाति को एसटी देंगे और मुझे लगता है ये चुनाव से पहले होगा। दूसरी बात स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम ये जो दार्जिलिंग हिल, तराई और डुवर्स के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान यानी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन वो हम करेंगे, उसके लिए हम वचनबद्ध है। और मैं आपको इतना बता दूं, जो भी समाधान होगा भारत के संविधान से होगा, भारत के कानून से होगा, संसद भवन में होगा, वो न टीएमसी कर सकती है न पश्चिम बंगाल असेंबली में होगा। ये भी मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। और मैं राजू बिष्ट ये घोषणा कर रहा हूँ, ये सारे काम 2024 से पहले होंगे, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे राजनीति भी नहीं आती, लेकिन जनता की दुख और तकलीफ को मैं समझता हूँ। मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, जो भी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय करेगा उसके विरुद्ध मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक गोरखा पुत्र हूँ।